यहाँ पर हमने Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर SGCam 8.8.2 का जो लेटेस्ट बिल्ड है इंस्टॉल किया है एंड इस GCam के साथ जो Pixel 8 Pro का जो कैमरा का जो यूजर इंटरफेस है एंड जो फीचर्स है उसे आप जो इनेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पर ढेर सारी फोटो क्लिक किया है। इस वीडियो के दौरान जो फोटो सैंपल को हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में SGCam 8.8 गूगल कैमरा का जो लेटेस्ट बिल्ड है उसका डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप सिंपली इस GCam को डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14 के साथ ये जो GCam का जो बिल्ड है काम करेगा। एंड यहाँ पर रियलमी, रेडमी, पोको, सैमसंग, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, आईक्यू, नथिंग फोन 1 सभी के साथ ये जो GCam का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एनीवे इस GCam के साथ जो कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देने को मिलेगा, यहाँ पर जो है लीप पैचर का ऑप्शन है, अपस्क्रीन फोटो का ऑप्शन है, ऑटो वाइड बैलेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है एपर्चर बटन को ऐड किया गया है, प्लस मल्टीपल लेंस का ऑप्शन है, बट टेलीफोटो लेंस, अल्ट्रा वाइड लेंस, मैक्रो लेंस, जूम लेंस का जो ऑप्शन से काम कर चुके भी ऐड किया गया है। यहाँ पर बात कर लेते किस तरह से Pixel 8 Pro का जो यूजर इंटरफेस है उसे किस तरह से एनेबल करना होगा। सबसे पहले आपको इस GCam को डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद पहली दफा जब ओपन करोगे कुछ परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर मोर सेटिंग्स में जाके यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स में जाके स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर सिंपली स्क्रॉल डाउन करना होगा। सेटिंग्स में जाके यहाँ पर जो एडिशनल सेटिंग्स का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है ऐसे भी ऑप्शन देने को मिलेगा, तो यहाँ पर मेन कैमरा में टैप करना होगा। मेन कैमरा में टैप करने के बाद जो है पर इंटरफेस एंड जो है HDR मॉडल का जो ऑप्शन देने को मिलेगा इसमें टैप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर इंटरफेस में जाके यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके Pixel 8 Pro सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 7 का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, तो सिंपली यहाँ पर इंटरफेस में जाके Pixel 8 Pro सिलेक्ट करना होगा। एंड यहाँ पर HDR मॉडल से भी अगर आप चाहो तो Pixel 8 Pro को सिलेक्ट कर पाओगे। उसके बाद GCam को रीसेट करना होगा। गूगल कैमरा को रीसेट करने के बाद जो Pixel 8 Pro का जो यूजर इंटरफेस है एनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो 10-bit HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, स्पीच एनहेंसमेंट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस सिनेमेटिक ब्लर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। कुछ इस तरह से आप जो Pixel 8 Pro का जो यूजर इंटरफेस है आप एनेबल कर पाओगे। सिंपली मोर सेटिंग्स में जाके, एडिशनल सेटिंग्स में जाके, मेन कैमरा में जाके, इंटरफेस एंड HDR मॉडल में जाके, इंटरफेस में जाके Pixel 8 Pro सेलेक्ट करना होगा। तो हमने यहाँ पर इस GCam के साथ जो ढेर सारी फोटो को क्लिक किया है, तो देखते किस तरह से पर जो फोटो सैंपल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस GCam के साथ जो कुछ इस तरह से फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा, देख सकते हो ये जो फोटो है काफी इंटरेस्टिंग फोटो है। तो यहाँ पर इस फोटो के साथ जो है हाईलाइट प्लस यहाँ पर जो कलर है एंड यहाँ पर शेडो के साथ भी इम्प्रूवमेंट देने को मिलेगा। यहाँ पर जो है ब्राइट लाइट फिक्स का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस HDR मोड एंड HDR एनहांस मोड का जो ऑप्शन से काम करते हैं, देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर कलर, हाईलाइट प्लस शेडो के साथ जो है इम्प्रूवमेंट देने को मिलेगा इस GCam के साथ। एंड डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया जो है डिटेल्स देने को मिल गया है फोटो के ऊपर, जो डिटेल्स है काफ़ी बढ़िया है एंड एक्यूरेट कलर देने को मिलता है, नेचुरल कलर देने को मिलेगा फोटो के ऊपर। जो नॉइज़ है वो भी काफ़ी कम है, यहाँ पर लेस नॉइज देने को मिल जाएगा। इवन जूम करने के बाद भी बढ़िया क्वालिटी देने को मिल रहा है, यहाँ पर जो ब्लर है काफ़ी हद तक नेचुरल ब्लर देखने को मिल रहा है, प्लस जो फोकस है काफ़ी बढ़िया है एंड फोटो के ऊपर नॉइज काफ़ी कम है। यहाँ पर मेन लेंस, अल्ट्रावाइड लेंस, फ्रंट कैमरा एंड यहाँ पर मैक्रो लेंस के साथ भी कम नॉइज देने को मिलेगा एंड मैक्रो लेंस के साथ भी इम्प्रूवमेंट देने को मिल जाएगा। काफ़ी हद तक जो यहाँ पर वाइब्रेंट कलर देने को मिलेगा एंड डेफिनेटली सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। ब्राइट लाइट फिक्स का जो ऑप्शन से काम कर सके इस GCam के साथ एंड यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस को ऐड किया गया है। ऑटो वाइड बैलेंस को एनेबल करने के बाद जो है एक्यूरेट कलर देखने को मिलता है, प्लस इस GCam को एज ए डेली ड्राइवर यूज कर सकते हो। ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन से काम कर जाएगा स्टेबल GCam के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। सभी जो फीचर्स है सभी डिवाइस के साथ काम कर जाएगा एंड यहाँ पर इस GCam के साथ जो है बेटर कलर विद बेटर डिटेल्स देने को मिलते हैं। फोटो के ऊपर नॉइस काफी कम है एंड यहाँ पर फ्रंट कैमरा के साथ भी आप बेटर फोटो क्लिक कर सकते हो, प्लस यहाँ पर कोई भी ग्रीन टिंट का इशू यहाँ पर देने को नहीं मिलता है।
यहाँ पर कोई भी ग्रीन टिन का इशू नहीं है। प्लस यहाँ पर एस्ट्रो मोड भी काम कर जाएगा। यहाँ पर नाइट साइड मोड के साथ भी आप बढ़िया बढ़िया फोटो क्लिक कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो है EIS OIS का जो ऑप्शन काम करता है, वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। प्लस जो डायनेमिक रेंज इस जीकैम के साथ काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी हद तक जो है कॉन्ट्रास्टी फोटो क्लिक कर पाओगे। यहाँ पर सैचुरेशन एंड यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट के ऊपर जो काफ़ी बढ़िया बैलेंस देने को मिलता है। बाकी आपको फोटो सैंपल कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके बोल सकते हो। काफ़ी बढ़िया बढ़िया फोटो क्लिक कर सकते हो। जूम करने के बाद भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी देने को मिलेगी। यहाँ पर जो ब्लर है वो भी देख सकते हो, जो फोकस है वो भी काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पर DSLR जैसा ओवरऑल जो है क्वालिटी देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो है हाईलाइट प्लस शैडो के साथ भी इम्प्रूवमेंट देने को मिल गया है। तब जरूर से इस जीकैम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। नंबर बात कर लेते हैं इस अपडेट के साथ जो क्या क्या चेंजेस देने को मिलेगा। सबसे पहले इस अपडेट के साथ जो सेटिंग्स बने हैं कंप्लीटली यहाँ पर रीडिजाइन हो गया है। तो यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर जो है यहाँ पर UI के ऊपर चेंजेस देने को मिल जाएगा। यहाँ पर आइकॉन के साथ जो है चेंजेस देने को मिलता है। प्लस जो सेटिंग्स बने हैं कंप्लीटली यहाँ पर रीडिजाइन हो गया है। प्लस जो है यहाँ पर इस अपडेट के साथ जो है पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस के हिसाब से जो है एनेबल हो जाएगा। आपको अलग से मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है उसे एनेबल नहीं करना होगा। एंड यहाँ पर लिप पैचर का जो ऑप्शन है जो क्रैश कर जा रहा था उसे फिक्स किया गया है। डिफॉल्ट जूम भी काम कर जाएगा, स्लो मोशन का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। पर अपर्चर बटन को ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर ब्राइट लाइट फिक्स का ऑप्शन है जो जूम का इशू उसे फिक्स किया गया है। ऑटो नाइट साइड मोड काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर जो है फ्रंट कैमरा भी काम कर जाएगा। प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग भी काम कर रहा है इस जीकैम के साथ। एंड आप सिंपली एक्सिनोस डिवाइस के साथ भी इस जीकैम को यूज कर सकते हो। एंड इस तरह से सभी जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स के ऊपर जो है HDR कंट्रोल, रॉ फोटोज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर HEVC फॉर्मेट में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर एनेबल टाइम लैप्स फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी। एंड यहाँ पर टाइमर लाइट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी कैमरा का ऑप्शन है। यहाँ पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर टेलीफोटो लेंस, ऑटो, यहाँ पर जो है मैक्रो लेंस एंड जूम लेंस को भी एनेबल कर सकते हैं। और वर्टिकल लेआउट एंड हॉरिजेंटल लेआउट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर हॉरिजेंटल लेआउट का जो ऑप्शन से काम कर चुके इसे भी ऐड किया गया है। एंड देख सकते हो यहाँ पर XML फाइल को इंपोर्ट करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। सिंपली XML फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। पर एडवांस ऑप्शन का बटन है। एंड पर एडवांस ऑप्शन में यहाँ पर मोशन फोटोज का ऑप्शन है, फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन है, फोकस लॉक टाइम का ऑप्शन है, GPG क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो। पर डिजेबल हेक्सागन DSP का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड GPG क्वालिटी को इंक्रीज करने का ऑप्शन है। प्लस पोर्ट्रेट जूम का ऑप्शन है। यहाँ पर मैक्सिमम जूम को इंक्रीज करने का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। ब्राइट लाइट फिक्स का ऑप्शन है, HDR रॉ फिक्स, ऑटो नाइट साइड मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर डार्क मोड का जो ऑप्शन है अवेलेबल इस जीकैम के साथ। एंड पर व्यू फाइंडर बटन्स के ऊपर जो अलग अलग बटन्स को एनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैनुअल फोकस स्लाइडर, ऑटो एड बैलेंस बटन, ISO स्लाइडर, यहाँ पर लिप पैचर का जो बटन है, प्लस यहाँ पर जो आप स्क्रीन फोटो, अपर्चर बटन, सैचुरेशन स्लाइडर, अलग अलग ऑप्शंस को आप यहाँ से व्यू फाइंडर के ऊपर से एनेबल कर पाओगे। उसके बाद जीकैम को रीस्टार्ट करना होगा। कुछ इस तरह से जो है UI देखने को मिल जाएगा। हमने अलग अलग जो बटन्स उसे एनेबल किया है, व्यू फाइंडर के ऊपर अलग अलग जो बटन से देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर मेन कैमरा से जो है यहाँ पर कैमरा इंटरफेस सेटिंग्स, इंटरफेस एंड डिवाइस मॉडल का ऑप्शन है। यहाँ पर मोशन फोटोज, रॉ सेटिंग्स, अपस्केलिंग फोटो का ऑप्शन है। 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर HDR फ्रेम सेटिंग्स का ऑप्शन है। पर HDR मोड के ऊपर जो फ्रेम को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप HDR मोड के ऊपर फ्रेम को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर जो फोटो सेव होने में टाइम लगेगा, बट फोटो के साथ जो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो है लिप पैचर का ऑप्शन, नॉइस मॉडल, ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर मैनुअल फोकस सेटिंग्स का ऑप्शन है। यहाँ पर एस्ट्रोनाइट मोड का ऑप्शन है, वीडियो सेटिंग्स का ऑप्शन है। वीडियो के ऊपर जो बीट रेट उसे इंक्रीज करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी देने को मिलेगा अगर बीट रेट को इंक्रीज करोगे तो। एंड यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस के साथ जो इस तरह से सभी जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ढेर सारे जो ऑप्शन है अवेलेबल है। रेबनोट 10 प्रो, रेबनोट 7
एंड यहाँ पर रेबनो 9S, पोको X3, रेबनो 10 ऐसे भी ऑप्शन है। एंड यहाँ पर नॉइस मॉडल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, MI 10T Pro, रेबनोट 7, MI 10 Ultra, अलग अलग जो ऑप्शन है अवेलेबल है नॉइस मॉडल के साथ। एंड यहाँ पर डेवलपर सेटिंग्स, ऑडियो जूम, वीडियो स्टेबलाइजेशन, वाइट बैलेंस, फ्रेमिंग हिंट्स एंड सोशल शेयर, डिवाइस स्टोरेज, ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है SGCAM 8.8.2 के साथ। तो जरूर से इस GCAM को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। एंड रिसेंटली हमने अपने गूगल कैमरा 8.9 का जो लेटेस्ट बिल्ड है उसका रिव्यू वीडियो अपलोड किया है, सिंपली GCAM का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।